दोस्तों यदि आपको लगता है कि सुरेश रैना को टीम में वापसी करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। भारतीय टीम से बाहर चल रहे सुरेश रैना हाल ही में गौरव कपूर के साथ ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एम एस धोनी और अपने बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एम एस धोनी के कूल रहने के राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि धोनी गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन वह कैमरे में दिखते नहीं है। जब कैमरा हटता है और एज शुरू होता है तो वह गलती करने वाले गेंदबाज या फील्डर से कहते हैं सुधर जा तू। इसी बीच रैना ने पाकिस्तान के उमर अकमल से अपनी भिड़ंत की एक बात का जिक्र किया। रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच का जिक्र करते हुए बताया उमर अकमल बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी बीच मैंने एक थ्रो फेंका जिससे वह नाखुश हुए और विकेट कीपिंग कर रहे एम एस धोनी से कहा कि देखो धोनी भाई सुरेश रैना मुझे गाली दे रहा है। धोनी ने ये बात रैना से पूछी तो रैना ने कहा कि मैंने गाली तो दी नहीं बस थ्रो मारा था। रैना ने आगे कहा इस बात पर वह कुछ बोला तो मैंने कहा कि भाई क्या हुआ चेंज कर रहा है तो रन बना। यही बात अकमल को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने खिसियाते हुए धोनी से रैना की शिकायत कर दी। जब धोनी ने रैना की बात सुनी तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आया और धोनी ने रैना से कहा कि दबाव बनाओ इस पर। रैना ने कहा कि धोनी एक अच्छे गेम लीडर हैं, उन्हें पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, उनके पास तीन प्लान तैयार रहते हैं, वह रात को अपने प्लान बनाते हैं और सुबह विजू अलाइज करते हैं तभी उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं होती। रैना और धोनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वे टीम इंडिया की ओर से तो एक दूसरे के साथ लंबे समय तक तो खेले ही, साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से भी वह करीब एक दशक से एक दूसरे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं।